नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबीन खान और आप देख रहे हैं मून स्टार न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश के दमोह निवासी सेना के जवान अकील खान ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। जानकारी के मुताबिक दमोह के फुटेरा वार्ड निवासी बीएसएफ जवान अकील खान की ड्यूटी अमरनाथ यात्रियों की सेवा में लगी हुई थी। वे लगातार अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे थे, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। बताया जा रहा है कि बीएसएफ जवान अकील खान ड्यूटी के दौरान ही शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर जैसे ही उनके घर पहुंची तो परिवार सहित पूरे दमों में शोक की लहर दौड़ गई। अकील खान की तीन भाइयों में सबसे छोटे थे, जो वर्तमान में पंजाब के पठानकोट में पदस्थ थे। उनके परिवार में पत्नी साजिया खान के अलावा 8 साल की बेटी, 3 साल का बेटा, माँ, 2 भाई और 1 बहन है। दमोह निवासी शहीद अकील खान का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 11 बजे दमोह पहुंचा। शहर के लोगों को पहले से ही इसकी सूचना थी, इसलिए भारी संख्या में शहर के लोग श्रद्धांजलि देने के लिए तीन गुल्ली चौराहा पर एकत्रित हुए और उसके बाद शहीद के शव के साथ शहर में एक यात्रा निकाली गई, जिसमें वंदे मातरम और भारत माता के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। आपको बता दें कि पठानकोट में तैनात बीएसएफ के जवान अकील खान को अमरनाथ यात्रा के चलते अनंतनाग में तैनात किया गया था, जहां पर ड्यूटी के दौरान उन्हें करंट लग गया, जिससे उनकी मौत हो गई। कल उनके शव को एयर रूट से भोपाल लाया गया और उसके बाद रात में सागर में ठहराव के बाद आज सुबह दमोह पहुंचा। अकील के शहीद होने की खबर के साथ कल से ही सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकील की शहादत को लेकर पूरे मध्य प्रदेश सहित दमोह से अपनी अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त लोगों के द्वारा की जा रही है। जावेद जगह करो।